हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एग्री। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको एग्रीकल्चर का मोस्ट पीवीआई जो क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, वो मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक, ये कर लो, आपको 90% जरूर आएगा। ओके, और मैं आपको समझा दूँगा कि कैसे हम ये ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम है। और अगर आपको और भी ज़्यादा पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे सब कुछ है, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ अच्छे अच्छे पीडीएफ और बहुत सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं वहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर का देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें से जो है कौन उत्तेजक फसल है, चलिए जानते हैं। तो जल्दी से आप कॉमेंट बॉक्स में आंसर करिए, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए कि कौन इसमें से उत्तेजक फसल है। उत्तेजक फसल क्या होता है? ऐसी फसल जिससे हमको उत्तेजना आती है। ओके, उत्तेजना बढ़ती है तो वो जो है वो उत्तेजक फसल होती है। ठीक, उत्तेजक फसल किससे होता है? जिससे उत्तेजना बढ़ती है, बढ़ती है उसको हम बोलते हैं उत्तेजक फसल। तो इसमें से आंसर क्या होगा? प्याज, अदरक, चाय या तेजपत्ता? तो इसका आंसर होगा आपका चाय। इनका आंसर क्या होगा? चाय इनका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर इनके चाय होंगे। और एक बात मैं बता दूं कि 9 फरवरी को मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो दूंगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। ओके, इसके लिए तो वो बीसीसी जो देने वाले हैं, आईसीएआर और बीएचयू, और इनके साथ साथ 11th एंड 12th इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश और इनके साथ साथ हिंदी, तो दोनों का पीडीएफ जो है रेडी हो गया है। ओके, पीडीएफ रेडी हो गया है, तो फिक्र कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ बने रहिए, मैं बताऊंगा आपको। ठीक, तो इनका आंसर हो गया आपका अच्छा है, ये आप समझ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी कीट आकर्षक रूप फसल है? तो कीट आकर्षक रूप फसल, इसमें से हम आपको जब पढ़ा रहे थे कीट आकर्षक वाली फसलें, तो उसमें हमने बात कर रखा था, लेकिन आपको ऐसे सेम क्वेश्चन आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, वीवीआई है और ये भी, दोनों पूछे जाएंगे। तो इनका आंसर है लाल गेंदा फूल। उनका आंसर क्या है? लाल गेंदा फूल है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये आपको हो गया। चलिए अब थोड़ा सब्जेक्टिव पे करते हैं फर्स्ट चैप्टर का। ऐसे ऐसे आपको हम बहुत सारे अभी कराएंगे, और इतना आप करके जाओ बस काफ़ी है। ओके, आपको इतना कर लेना है और काफ़ी है। आपको मैं सब्जेक्टिव भी बताऊँगा अभी कि सब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आंसर अभी। ठीक, तो चलिए अब सब्जेक्टिव पे बात करते हैं, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में करते रहो। चलिए बताइए फसल की परिभाषा, फसल किसे कहते हैं आप लोग बताइए। जब मैं 12th का चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ा रहा था, ओके, जो कि वीडियो अपलोड है, ऑलरेडी अपलोड है, तो उसमें हमने बात कर रखा था इनके बारे में, तो फसल के बारे में हमने उस पर बात कर रखा था। ओके, उस पर हमने फसल के बारे में उस पर बात हमने कर रखा था। चलिए, तो आपको अगर याद है तो आप बताइए फसल किसे कहते हैं। ठीक, बताएँगे आप फसल किसे कहते हैं। ओके, चलिए बताइए फसल किसे कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए आपको सुनना है अच्छे तरीके से, आपको हो जाएगा। देखिए, पौधे का ऐसा समूह जिसको मनुष्य क्या करता है, जिसको मनुष्य किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है। ओके, और वो क्या, क्यों उपयोग के लिए उगाता है? क्योंकि उसका जो अर्थव्यवस्था वो अच्छा रहे, उसका अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आप लिखेंगे पौधे के ऐसे समूह जिसको मनुष्य किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है तथा जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसको हम फसल कहते हैं। ओके गाइस, तो उसको हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बस मैं वीवीआई बताऊंगा, आप ये मत समझो कि मैं बुक का सारा बता दूंगा, सारा नहीं बताऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, मैं बस उसी पर बात करूंगा। ओके, सो डोंट वरी। तो अभी तक आप इनका कर लिए, इनका भी कर लिए, और लघु उत्तरीय में फसल की परिभाषा कर लिए हैं। और नगदी फसल क्या है बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए नगदी फसल क्या है। ये क्वेश्चन वीवीआई जितने, ये दोनों जो है दोनों वीवीआई। ओके, और एक है इसमें वो भी है, तो बताइए नगदी फसल क्या है। देखिए, नगदी फसल क्या होता है, आप आंसर करिए पॉज करके, और देखिए जब मैं बता रहा हूँ, नगदी फसल उसको कहते हैं जिसको अगर हम कोई भी खेती करते हैं उसको बेच के हम तुरंत जो आमदनी प्राप्त कर सके, तुरंत धन प्राप्त कर सके, क्यों? क्योंकि उनसे अन्य आवश्यकता की पूर्ति हो, उनको हम नगदी फसल कहते हैं। जैसे आपका आलू हो गया, आलू क्या हो गया आपका? नगदी फसल। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्न में से कौन
नगदी फसल है तो आपको देगा आलू, देगा बरसीम, देगा धान, देगा गेहूं, देगा तो आपका क्या होगा, आलू होगा। ओके, इनको तुरंत बेच के हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये आप समझ गए कि नगदी फसल क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आवरण फसल की चर्चा करें। आवरण फसल क्या होता है गाइस, आवरण फसल क्या होता है चलिए बताइए। कवर क्रॉप क्या होता है, ये कवर क्रॉप, कवर से आपको पता चलता है। ओके, कवर से आपको पता चलता है, तो बताइए क्या होता है ये कवर क्रॉप, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से कवर क्रॉप के बारे में बताइए। ओके, तो अब मैं आवरण फसल के बारे में बता रहा हूँ। आवरण फसल किसको कहते हैं, देखिए देखिए, मृदा का जो है कटाव से, अगर ये मृदा है, मृदा को सॉइल मृदा है, मृदा का कटाव नहीं हो, इसमें दरदरा पड़ जाता होगा, कटाव नहीं हो, ठीक, उसके लिए भूमि पर ऐसा फसल को बोएंगे जो फैलने वाली हो, ठीक, और वो फैलने वाली हो, तो ये इसके अंतर्गत कौन सा फसल आता है, तो वो होगा आपको इसके अंतर्गत। अब इनके एग्जांपल कौन होगा, तो दलहनी, जितने दलहनी फसल होते हैं वो आवरण फसल होते हैं, ये याद रखना, जितने दलहनी फसल होते हैं। तो आप इनका डिफिनेशन लिखना, आप ऐसे लिख सकते हो, भूमि को मृदा कटाव से बचाने के लिए भूमि पर फैलने वाली फसलें जो बोई जाती है वो आवरण फसल होता है। ठीक, ये आवरण फसल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इस बार भी पूछ सकता है, ये इस बार भी थोड़ी पूछेगा ही। ओके, पूछेगा ही। ओके, ये तीनों क्वेश्चन को आप कर लेना, इस ये थोड़ा कम है प्रोबेबिलिटी, ये दोनों 100% हमको 90% लग रहा है पूछेगा। ओके, तो ये अच्छे से कर लेना, ये दोनों जो मैं बताया हूँ वो आप लिख लो, या सुनने से तो पता चल ही जाएगा। ठीक, मैं अच्छे से आपको यानी डिस्क्राइब करके मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करके पूरी अच्छी तरह से। ओके, तो आप बताइए नगरी फसल किसे कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए एक बार अच्छे से कमेंट सेक्शन में। ओके, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थोड़ा दीर्घ भी बात करते हैं। देखिए यहाँ जो है, यहाँ पे आपको पूछ सकता है, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ये जो है ये यहाँ तक जो है ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको क्या, इसमें इनका कीट अगर सक आपको डिफिनेशन नहीं पूछेगा, इसमें आपका डिफिनेशन नहीं पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा, इसमें आपको एग्जांपल्स पूछेंगे, इसमें एग्जांपल्स पूछेंगे कि निम्न में से कौन कीट आकर्षक फसल है। तो आपको आंसर क्या करोगे बताओ, आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, अभी तुरंत बताएं कमेंट सेक्शन में, आप आंसर करो कि कीट आकर्षक फसल का एक एग्जांपल दो, जल्दी से बोलो। और अंतर्वर्ती फसल किसे कहते हैं वो बताओ आप सभी, ठीक है, नहीं जानते हो तो लो बता देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक करो, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये सारे में वीडियो लाता हूँ। ओके, तो चलिए देखिए, अंतर्वर्ती फसल हम कहते हैं, देखिए इनको मैं एक्सप्लेन से समझा देता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन से आप सभी को समझा दे रहा हूँ। ओके गाइस, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, अंतर्वर्ती खेती को परिभाषित करना है। ओके, अंतर्वर्ती खेती, ओके, तो चलिए करते हैं। देखिए किसे कहते हैं, अच्छे से इसको करना है। देखिए अंतर्वर्ती खेती किसे कहते हैं, देखिए दो या दो से अधिक फसल को, किसको, फसल को, दो या दो से अधिक फसल को एक ही खेत में, कौन सा, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसल को एक ही खेत में, ओके, एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसल को एक ही से एक साथ किसी एक ही खेत में पंक्ति विधि से अगर हम लगाएंगे, और इसको मैं कर दे रहा हूँ आपको, क्या करेंगे उसको हम पंक्ति विधि से लगाएंगे। ओके, पंक्ति विधि से लगाएंगे तो उस क्रिया को जो है हम क्या करते हैं, उस क्रिया को हम क्या करते हैं, अंतर्वर्ती खेती। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंतर्वर्ती खेती बोलते हैं। ठीक, तो आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे आप, अंतर्वर्ती खेती का अगर एग्जांपल आपको पूछेगा डेफिनेशन, अंतर्वर्ती खेती का आपको बोलना है कि दो या दो से अधिक फसलों को एक ही साथ एक खेत में लगाने की सख्त क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंतर्वर्ती खेती बोलते हैं। देखिए अब इसका एग्जाम्पल्स पूछेगा आपको, ठीक, इसका एग्जाम्पल्स पूछेगा, तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो आपको चना प्लस तीसी, चना के साथ हम क्या लगाते हैं, तीसी को लगा सकते हैं हम। ओके, चना के साथ तीसी को लगा सकते हैं हम, जो के साथ चना को लगा सकते हैं हम, जो के साथ हम चना को लगा सकते हैं हम, ये सारे इनकी एग्जांपल है। हम मक्का के साथ हम अरहर को लगा सकते हैं हम, मक्का के साथ अरहर को लगा सकते हैं हम, ये सारे किनकी एग्जांपल हैं, ये
ये सारे अंतर्वर्ती खेती के एग्जांपल हैं। ओके, ये भी वीवीआई है, जितने भी वीवीआई है आज सारे वीवीआई पे हम बात करेंगे। ओके, एक भी आपको वीवीआई से बाहर नहीं जाएगा, सारे मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। और मैं फिर से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ इनके बारे में, फिर से इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं कि आपको 9 फेब को आपका इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आने वाला है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाला है। ठीक, और ये आपको बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन होगा, आपको क्या क्या होगा वो उस वीडियो में बताया जाएगा। आपका सबसे आपका कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और आपका क्या सिलेबस है, और भी बहुत कुछ है, मैं अभी उसको नहीं बोल सकता कुछ कारणवश। ठीक, आपको वो 9 को ही आपको वो बताऊँगा, फिर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करोगे। ओके, तो आप लोग के लिए एक तरीके से बहुत अच्छा है, और सारे PDF निकल चुके हैं। ओके, मैं आपको सीन भी आपको टेलीग्राम पे करा दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम पे ही सारी कुछ अब आते हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप टेम्प्रोरी है, वो डिलीट हो जाएगा। ओके, बहुत जल्दी। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोग, क्या आप लोग जो है मिशन एग्री ज्वाइन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो मोर PDF के लिए। ओके ओके, चलिए देखिए, अब आते हैं चैप्टर 2 में। ठीक, चैप्टर 2 में आते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे आज होगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है, बिहार में धान की खेती कितने क्षेत्र में की जाती है। चलिए आप आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। 28 लाख, 10,000। ठीक है, 28 लाख, 28,000, या फिर 32 लाख, या फिर 40, या फिर 44। बोलिए, बताइए, आप कुछ भी बताइए जो आता है आपको, फिर मैं आपको बताऊँ इसका आंसर होगा आपको ये। ओके, 32 लाख प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में होता है बिहार राज्य में। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से संकर धान कौन सा है, तो बताइए, निम्नलिखित में से संकर धान कौन है, तुरंता, सीता, राजश्री, या फिर PH 7। तो इनका आंसर हो जाएगा आपका PH 7। ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपका PH 7, ये याद रखना। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, PH 7। मैं सारा क्वेश्चन देता हूँ यहाँ, हाँ, PH 7 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गेहूं का वनस्पतिक नाम कौन है। निम्नलिखित में जो है गेहूं का वनस्पतिक नाम की बात करूं, तो गेहूं का वनस्पतिक नाम कौन सा है, तो चलिए बताइए। ये तो धान का हो गया, ये आपको मक्का का हो गया, मेज का हो गया, ये है ट्रिटिकम एस्टिवम जो है, ये किनका है, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है, ये गेहूं का जो है बोटनिकल नाम है, वनस्पतिक नाम है, क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, एस्टिवम। और आपको धान का क्या है, ओराइजा सटेवा। और आपको ये भी पूछ सकता है, एक और VVI है, क्या, हाँ, मटर का पूछ सकता है आपको, मटर का क्या है, मटर का है पाइसम सैटिवम। ये तो ये 3 आप याद रखना। ओके, और जिया मेज ये तो याद रखना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको सारा पता होना चाहिए, जितना मैं बता रहा हूँ इतना कर लो, काफ़ी है। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में बोनापन का गुण इसमें से किस प्रवेश से लिया गया है। गेहूं की जो फसल है उसमें जो बोनापन का गुण होता है कौन से प्रवेश से लिया गया है, तो वो नोरिन 10 से लिया गया। ओके, किन से लिया गया है, नोरिन 10 भी रहेगा तो उससे भी होगा। ओके, और मैं एक सब्जेक्टिव वहाँ पे मैं छोड़ दिया था, तो वो मैं करा दे रहा हूँ, कर लो आप सभी, एक ऑब्जेक्टिव से भी छूट गया था आपको, मैं एक सब्जेक्टिव जो कि फर्स्ट चैप्टर से था, ये था हमारा। तो देख लो आपसे इसके फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत एक क्वेश्चन और पूछ सकता आपको, क्योंकि VVI है, इसीलिए मैं उस पर आपको लेके गया पीछे। ठीक, जो करना चाहिए इसीलिए। ओके, मैं नहीं चाहता कि कुछ आपका छूट जाए। ओके गाइस, तो देख लीजिए कि आपका ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि जो है ऑन द बेसिस ऑफ जीवन के आधार पर जो है फसल का पूछ सकता है वर्गीकरण। तो बेसिकली मैनली जो है 3 वर्ग में बांटा गया। ओके,
तीन वर्ग में बांटा गया। ठीक, कौन कौन, देखिए पहला है आपका एक वर्षीय, ओके, और दूसरा है आपका दो वर्षीय, और आपका तीसरा है आपका क्या, तीसरा है बहुवर्षीय आपका तीसरा है, ओके, एक वर्षीय, दो वर्षीय, बहुवर्षीय, तीन है आपके। ठीक, तो एक वर्षीय क्या होता है, तो पहले हम बात करेंगे आपका एक वर्षीय पे कि एक वर्षीय क्या होता है। तो गाइस, एक वर्षीय होता है वैसा फसल लीजिए, एक फसल का चित्र बनाना पड़ेगा हमको, कैसे बनाएंगे, ये लीजिए, ठीक, ये उनका हरी हुआ, ठीक, ये आपका कोई फसल मान लो, यार फिगर यहाँ अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो फिगर के साथ बताऊंगा, फिर अभी हड़बड़ी है बहुत ज़्यादा तुरंत, ठीक, देख लो ये एक फसल है, ठीक, कोई भी फसल जो है अपना साइकिल जो है, अपना जीवन चक्र जो है, ये मान लो एक साल हुआ, ये एक साल में अपना पूरा जीवन एक साल में या फिर इससे कम समय में, पूरा करती है। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि वैसा फसल जो अपना जीवन चक्र एक साल या इससे कम समय में पूरा कर लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक वर्षीय फसल बोलते हैं। अब इनके उदाहरण देखिए क्या क्या है, इनके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण आपको हो जाएगा चना और धान, गेहूँ, ठीक, क्या होगा, उदाहरण की बात करें हम अगर, तो इनका उदाहरण हो जाएगा आपका क्या, इनका उदाहरण हो जाएगा आपको चना और धान ले लीजिए, ओके, सॉरी, आप धान ले लीजिए और गेहूं ले लीजिए, ओके, गेहूं की बात करूं तो ये सभी जो है किनके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आपको फसल, एक वर्षीय फसल के अंतर्गत आते हैं, ओके गाइस। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, द्विवर्षीय अब आया, तीन वर्ग में बांटा गया था, एक वर्षीय आप समझ गए, ओके, एक वर्षीय आपको समझ में आ गया क्या होता है, चलिए बताइए, और बताइए उनका एक एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप बताइए, ओके। अब मैं बता रहा हूँ आपको जो है, आपको मैं बता रहा हूँ आप द्विवर्षीय, देखिए द्विवर्षीय फसल क्या होता है, जो अपना जीवन चक्र जो है प्रथम वर्ष में, जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में वनस्पतिक वृद्धि करता है, एक वर्ष में क्या होता है इसका वृद्धि करता है, ठीक है, वन मिनट, एक वर्ष में जो है ये वृद्धि करता है, ओके, और दूसरे वर्ष में, फर्स्ट वर्ष में क्या करता है, वृद्धि करता है, तो यहाँ आप लिख सकते हो वृद्धि करता है फर्स्ट वर्ष में, वृद्धि, और सेकेंड वर्ष में क्या करता है, और दूसरे वर्ष में जो है पौधे में फूल एवं फल आते हैं, पहले तो वृद्धि करता है, ओके, और दूसरे वर्ष में क्या आता है, फूल और फल आते हैं, दूसरे वर्ष में क्या आते हैं, फूल और फल आते हैं, ये याद रखना, और बीज तैयार करते हैं और अपना वनस्पतिक वृद्धि करते हैं, ठीक, बीज तैयार करते हैं, यह प्रकार का फसल जो है अपना जीवन चक्र जो है दो साल में पूरा जीवन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं द्विवर्षीय फसल। तो द्विवर्षीय फसल की एग्जाम में आपको अगर वैसे ऑब्जेक्टिव में आएगा, द्विवर्षीय फसल का उदाहरण लिखे, जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, द्विवर्षीय फसल का उदाहरण है आपका चुकंदर, ठीक, प्याज, बोलिए, यह सारी फसल आपके दो वर्षीय फसल है। तो चलिए जल्दी जल्दी बात करते हैं हम, एक है बहुवर्षीय, तो बहुवर्षीय फसल क्या होता है, वैसा फसल को बोलते हैं जो अपना लाइफ साइकिल 2 साल या उससे अधिक समय, ठीक, और एक वर्षीय का जस्ट अपोजिट, ठीक, समय में पूरा कर लेता है, एक वर्षीय क्या, जो एक साल या उससे कम, और बहुवर्षीय क्या होता है, बहुवर्षीय होता है 2 साल या उस साल में पूरा करती है, ठीक, तो वैसा फसल को हम बोलते हैं बहुवर्षीय फसल। तो चलिए इसका एग्जांपल दीजिए, चलिए इनका एग्जांपल बरसीम, रिजका ले लीजिए, और इनके साथ साथ आप ले लीजिए नेपियर ले लीजिए,
ये सारे हैं, ठीक। आप इनको कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगर लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए इस पे भी बात बता दो कि इसमें कौन उत्तेजक फसल है, एक बार आप आंसर कर दो कमेंट सेक्शन में। सॉरी मैं तो आंसर ही आपको बता रहा था, इनका भी कर दो। ओके और ये भी मैं बता चुका हूँ ये भी, और आवरण फसल की चर्चा में भी डिटेल से कर चुका हूँ। ओके और बात करें मैं इस पे लॉन्ग टाइप में, तो इस पे भी हमने बात कर रखा है, और इस पे भी हमने बात कर रखा है, इस पे भी हमने बात कर रखा है। ओके तो चलिए और अब हम आगे चलते हैं सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर में हमारा था, मैं आपको इसके बारे में मैं बात कर रखा था, इनके बारे में मैं बात कर रखा था कि बिहार राज्य में धान की खेती कितने क्षेत्र में की जाती है। चलिए आप ऑप्शन आपका दिया हुआ है तो आप आंसर करिए कितना क्षेत्र में किया जाता है, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, ठीक। आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये भी इस पर भी हमने बात कर रखा है, तो चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में, इस पर भी आंसर करिए। इस पर भी हमने बात कर रखा है, तो आपको इसमें आपको और दो क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। अब बताइए धान का जो है बोटनिकल नाम क्या होता है, ओके वनस्पतिक नाम, और आपको आपको बताना है मक्का का क्या होता है, मक्का का वनस्पतिक नाम क्या होता है, आपको बताना है मटर का वनस्पतिक नाम क्या होता है। ये तीन आप बताओ, अगर और हो तो अरहर का भी बता दो, अरहर का भी आप बता सकते हो, ठीक। ये चार बता दो, ये चार ही पूछेंगे ये हमको पता है, ठीक, इसलिए अभी बता दो, ठीक। ये इस पर हम बात कर रखे थे, गेहूं का फसल में बोनापन का गुण किन के कारण होता है, तो नोरिन 10 के कारण होता है, नोरिन 10 के कारण होता है, तो यहाँ नोरिन है तो ये भी चलेगा, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करो, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं फास्टली बता रहा हूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिमान किस फसल का प्रभेद है, चलिए बताइए शक्तिमान किस फसल का प्रभेद है। आंसर आपका धान, गेहूँ, मक्का और अरहर और सरसों, ठीक। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइए। तो इनका आंसर मैं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक। इनका आंसर जो है शक्तिमान किस फसल का प्रभेद है, तो ये मक्का का प्रभेद है, किनका, मक्का का प्रभेद है, तो ये आपका गौ हो गया, ठीक। और आपका एक सटीक अच्छे से रिवीजन इस साल अगले साल से जो है ये फैब से स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग परेशान मत हो, तो फैब से स्टार्ट होगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, 11th और 12th और BCC का प्रिपरेशन होगा, उनसे बाहर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, और होगा ही नहीं, बायो का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर एग्रीकल्चर का। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाहर किस फसल का प्रभेद है, बाहर जो है वो किस फसल का प्रभेद है, चलिए बताइए बाहर जो है वो किस फसल का प्रभेद है, जल्दी से आंसर करिए, बाहर किस फसल का प्रभेद है, ठीक। चलिए नरेंद्र भी बताइए आप, नरेंद्र जो है नरेंद्र किस फसल का प्रभेद है, ये भी आप बताएंगे नरेंद्र, ओके बताइए जल्दी से बताइए, बाहर और नरेंद्र किस फसल का प्रभेद है, सरसों, धान, अरहर और मूंगफली, चार ऑप्शन है आपके पास, दो पूछे हैं आपको दोनों का बताना, तो वो दोनों जो है वो अरहर के हैं, चलिए वो दोनों अरहर के हैं, ठीक, आपको याद होना चाहिए, ये सारे पूछे जाएंगे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, तो बरुना जो है वो किस फसल का प्रभेद है, बरुना, आप बरुना का नाम सुने होंगे, इजी क्वेश्चन है, बरुना जो है वो किस फसल का प्रभेद है, बरुना किस फसल का प्रभेद है, बताइए, मूंगफली, राई, सरसों, तोरी, चार ऑप्शन है आपके पास, तो ये होगा आपको राई होगा ठीक, ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक। और राई पे आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो आपसे आ सकता है बरुना जो है वो किस फसल का प्रभेद है, तो राई का प्रभेद है बरुना, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरदान किस फसल का प्रभेद है, जल्दी से बताइए, बरदान किस फसल का प्रभेद है, जल्दी से बताइए, मक्का, वर्सीम और नेपियर घास या जई, इनका वर्सीम होगा आंसर, क्या होगा, वर्सीम इनके आंसर होंगे। ओके तो ये सारे क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके जी 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 कर दो जल्दी से फटाफट, और आपको पूरे मार्क्स लाने हैं। ये क्यों घेरा गया है, आई थिंक आपको पता चल रहा होगा इसके पीछे कितने बड़ी रहस्य है, ठीक। तो ये क्योंकि VVI है, ठीक। तो चलिए मसूर की में कितनी सिंचाई देनी चाहिए, तो ये नहीं बल्कि इनके साथ साथ आपको ये भी पता करना है इनका वनस्पतिक नाम क्या होता है,
ठीक, इनका वनस्पतिक नाम क्या होता है, ठीक, बोटनिकल नेम, और इनका बीज दर क्या होता है, ओके, बीज दर इनके बारे में, और इनके साथ साथ आपको क्या बीज उपचार कैसे करते हैं, उर्वरक प्रबंधन और सिंचाई प्रबंधन। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि मसूर का जो है लेंस स्कुलेंटा होता है, क्या होता है लेंस स्कुलेंटा, बोटनिकल नेम होता है लेंस स्कुलेंटा, इसको लेंटा, लेंस स्कुलेंटा होता है इसका बोटनिकल नेम। बीज दर की बात करें तो मसूर के छोटे दाने की प्रजाति, अगर वो छोटे दाने छुट्टू है, ठीक, छुट्टू है, तो उनके लिए कितना पड़ेगा, 30 से 35 kg, ओके। और अगर ये बड़े दाने की बात करें, तो इसके लिए कितना, 40 से 45 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम बीजोपचार करेंगे, ओके। और देखिए, और नेक्स्ट आपका पूछ सकता है कि आपको मसूर का खेती का आपको उर्वरक प्रबंधन, तो मसूर का खेती में जो है, हम 20 किलोग्राम जो है, 20 किलोग्राम क्या देंगे मसूर का खेती में, हम 20 किलोग्राम जो है आपको नाइट्रोजन देंगे, ओके, 20 किलोग्राम हम क्या देंगे, नाइट्रोजन देंगे, और 40 से 50 किलोग्राम हम स्पूर देंगे, 40 से 50 हम स्पूर देंगे, ओके, सल्फर जिनको हम बोलते हैं सल्फर, ठीक, और प्रति हेक्टेयर की दर से हम अंतिम जुताई का जो है पहले देंगे, ठीक। और अगर बीजोपचार बुआई का बात करें तो 24 घंटे पहले जो है हम इसमें 2.5 ग्राम जो है फफूंदी नाशक दवा देंगे, आप एग्जाम में लिख देना थीरम कैप्टन डेफोल्टन, कुछ जो याद होता है कोई एक लिख देना, आपको मिल जाएगा अच्छे मार्क्स, ओके, उतना डिटेल नहीं जाना है। और सिंचाई प्रबंधन, तो ये जानते हो कि दलहनी फसल को जो है कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, ओके, तो ये जो है मसूर वो भी दलहनी फसल है, उसको जो है बस हम एक बार 40 से 45 दिन के बाद हम एक बार अंतिम में सिंचाई कर देंगे, हो गया भाई तुम जाओ। ये रहा बात आपको मसूर का। चना में उकठा रोग क्यों लगता है, तो ये आपको पता होगा, बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमको, राइट, क्या बोलते हो, चलिए बताइए चना में जो है उकठा रोग के बारे में बताइए आप, तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं होगा तो पूछिए, फिर बताऊंगा मैं, क्योंकि समय कम है। धान में उर्वरक, ये मैं से सुबह बताया था, सुबह के लेक्चर में ये डिस्कस किया हुआ है, ये भी सुबह का लेक्चर में किया हुआ है कि धान उर्वरक और खरपतवार प्रबंधन, धान में जो उर्वरक है और खरपतवार जो प्रबंधन है उस पर आपको लाइट देना है प्रकाश, उस पर बात करिए, ठीक, तो इस पर भी बात हो चुकी है फर्स्ट वीडियो में, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग बताओ अरहर की खेती पे बात किए थे या नहीं सुबह, तो ये जो देख रहे हो ये भी VVI है, ओके, ये भी आपका VVI है, जितना आपको लगा हुआ है ये सारी VVI। पूछ रहा अरहर की खेती में बीजोपचार बुआई की दूरी उर्वरक प्रबंधन पर प्रकाश डालिए, तो अरहर पे एक बार तो हम बता चुके हैं, आप बताइए तो मैं फिर एक बार बता दूंगा, ओके, लेकिन एक बार जो है हम अरहर पे बात कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं बता देता हूँ एक बार आपको ऊपर से, बोटनिकल नेम देखिए, बोटनिकल नेम इसका क्या होता है, अरहर का बोटनिकल नाम होता है आपको केजनोस केजोन, केजनोस केजोन हिंदी में लिखते हैं भाई, हिंदी में बता रहे हैं ना, तो केजेनस केजेनस और केजोन किनका नाम है, चलिए बोटनिकल नाम है अरहर का, डिस्क्रिप्शन में आंसर दीजिए पता चल जाएगा। और मैं आपको इनसे पहले बताया हुआ था कि आपको इनका प्रभेद क्या है अरहर का, तो मैं आपको बार बार बताया हूँ भाई, बाहर बन के आई तू अरहर की दुनिया में, कहीं बदल ना जाना नरेंद्र मोदी की दुनिया में, और फिर वहाँ पे आप मालवीय अरहर में, अरहर क्या कुछ लगा दो, और जो एक शरद नाम का एक फिल्म है शरद, ठीक, ये सारे किनके हैं, बहार हुए, नरेंद्र हुए, अरहर हुए, शरद हुए, ये सारे उन्नत किस्म हैं किनके, तो हमारे भाई साहब अरहर की, ठीक। और बीजोपचार की बात करें तो सेम जैसे मैं बताया था दलहनी फसल, इससे पहले मसूर बताया था, सेम इसमें जो है उसमें 24 घंटे पहले था, इसमें 48 कर देंगे, 48 घंटे पहले हम वही दवा देंगे उसमें जो इसमें फुफूंदनाशक, ठीक, जितना उसमें 2.5 ग्राम देते थे इसमें भी 2.5 ग्राम देंगे, 2 दिन पहले उसमें भी देते थे इसमें भी 2 दिन पहले देंगे, ठीक।
और वही थीरम कैप्टन डेफोल्टान का नियंत्रण। कीट नियंत्रण की बात करें तो अरहर फसल में जो है पिचकी सलभ रोग होता है, पिचकी सलभ रोग, पिचकी सलभ रोग होता है, पिचकी सलग रोग, ये याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि अरहर में कौन सा रोग होता है, ब्ला 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 ब्ला, चार ऑप्शन देगा तो आंसर होगा पिचकी सलग रोग होता है। और ये भी पूछ सकता है उसका कारक क्या है, उसका कारण क्या है, उसका कारक है एक्सिलासीटस एटोमोसा, एक्सिलासीटस एटोमोसा इनका कारक है। ठीक, और बात करें चना में मिश्रित खेती होंगी, ये मैं बता चुका हूँ भाई, सुबह मैं नहीं बताऊँगा फिर से, टाइम लॉस होगा। मैं छोटा वीडियो चाहता हूँ, इतना बड़ा बड़ा वीडियो आप लोग को देखने में बहुत परेशानियाँ होगी, ओके, इसीलिए वो मैं नहीं बताऊँगा। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं, हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आगे होंगे। अब सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, हम दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। ठीक, और मोर पीडीएफ के लिए आप इस ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, ओके, फ़ायदेमंद में रहोगे। 9 फेब को मैं फिर से बोल रहा हूँ, डोंट मिस इट, इंग्लिश में भी बोल दिए क्योंकि इंग्लिश वाले के लिए भी है, ओके ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब आए हम दूसरे चैप्टर पे बात करेंगे, ओके। दूसरे चैप्टर पे हम बात करेंगे जो कि है रिक्त स्थान है भाई, तो इस पे तो जानते हो, तो बताओ कि फसल चक्र का मूल उद्देश्य मिट्टी की डैश को अक्षुण्ण रखना है, तो मिट्टी में किसका अक्षुण्ण रख सकता है, सोच सकते हो, ओके, इमेजिंग भी कर सकते हो, करो। तो इसको जो है इनका आंसर होगा, फसल चक्र का मूल उद्देश्य मिट्टी की उर्वरकता को जो है अक्षुण्ण बनाना, अक्षुण्ण। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है कि फसल चक्र कई डैश की जोड़ का नाम है, तो फसल चक्र जो है कई फसल प्रणालियों का नाम के जोड़ का नाम है, कई फसल प्रणालियों के जोड़ का नाम है, कई, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा कई फसल प्रणालियों, कई फसल प्रणालियों, फसल चक्र जो है कई फसल प्रणालियों के जोड़ का नाम है। ठीक, और थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है यार, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मिश्रित खेती सामान्यतः डैश क्षेत्रों एवं डैश सिंचित क्षेत्रों में अपनाई जाती है, तो मिश्रित खेती जो है आपको असंचित क्षेत्रों और अंतर्वर्ती फसलें, जो है अंतर्वर्ती फसलें सिंचित क्षेत्रों में अपनाई जाती है, अंतर्वर्ती क्षेत्र एवं, ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब ये सारे क्वेश्चन भी इस समय कौन सा पूछा जाएगा, तो पूछ लो भाई कौन सा पूछा जाएगा। तो देखो ये जब जहाँ तक आपकी लाइनें जा रही है कृपया वहाँ तक आप स्पष्ट रूप से समझ लें, ओके, ये, और इसमें आप ये जो है सेकंड वाले अच्छे तरह से समझ लें, थर्ड वाले अच्छे तरह से समझ लें, और इस पे आप समांतर खेती ये भी समझ ले, ओके, ये भी समझ ले। तो चलिए हम समझते हैं समांतर खेती, ये तो यहाँ आ गया, तो इस पे आपको इसी में मैं सारा डिटेल बता ही दूंगा, तो ये आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब फर्स्ट से, समांतर खेती से, ओके। ये क्या होता है, देखिए समांतर खेती क्या होता है, एक यहाँ पे ले लीजिए एक फील्ड है, ओके, फील्ड है, वन मिनट, ये एक फील्ड है, ओके, ये एक फील्ड है, ओके, मैं बता रहा हूँ आपको समांतर खेती बता रहा हूँ, ये खेत है, ओके, इसमें एक साथ दो ऐसी फसलें को लगाइए, मान लीजिए ये एक्स, ये फसल, ये एक फसल, दो ऐसी फसलें को लगाइए जिसमें, ठीक, जिसमें क्या हो, एक खेत में दो ऐसी साथ में ऐसी फसल को लगाइए जिसमें बढ़ाव की प्रकृति भिन्न हो, यानी बढ़ाव की प्रकृति भिन्न हो, एक इतना बढ़ेगा तो एक बेचारा इतना बढ़ेगा, ओके, पड़ाव कैसे भिन्न हो, और वे अपनी पूर्ण क्षमता का अनुरूप उपज करेगा, जितना इसको दम है उतना क्षमता का अनुरूप जो है वो उपज प्रदान करेगा, ठीक, उसी को हम बोलते हैं समांतर खेती। ठीक, इसको बोलते हैं समांतर खेती, तो आप ऐसे बोल सकते हो, यह नहीं, किसी एक ही खेत में एक साथ दो ऐसी फसलें को लगाना जिसमें बढ़ाव की प्रकृति भिन्न हो, ठीक, बढ़ाव का प्रकृति जो है वो भिन्न होगा लेकिन वे अपनी पूर्ण क्षमता का अनुरूप उपज प्रदान करे, वो समांतर खेती कहलाता है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका संरक्षित खेती क्या होता है, नहीं सॉरी, फसल पद्धति क्या है, तो फसल पद्धति पे अब हम बता दें कि फसल पद्धति क्या है, कि किसी क्षेत्र विशेष में जो है एक वर्ष में लगी क्रमिक फसल और प्रतिभूमि का अंतर्गत अनुपातिक रखवा को फसल, ये सारे बुक में दिया हुआ है, आप बुक पढ़ोगे अच्छे से तो आपको सारे मिलेंगे, ओके,
नहीं, कोई बाहर से मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। देखिए कोई भी कृषि क्षेत्र है, ठीक, कृषि क्षेत्र है, उसमें जो है क्रमिक की फसलें होता है, तथा फसलों एवं प्रति भूमि के अंतर्गत जो अनुपातिक रखवा होता है उसको हम फसल पद्धति बोलते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ये भी और ये भी। ठीक, और आपका बहुमंजिली खेती क्या होता है? तो बहुमंजिली खेती आपको पता होना चाहिए कि किसी एक ही खेत में जो है एक साथ, एक ही खेत है उसमें एक साथ जो है, एक साथ हम किसी एक ही खेत में एक साथ विभिन्न ऊंचाई वाली फसलों को हम इस प्रकार से लगाएंगे कि कुल उपज अधिक हो, और उपज जो है बहुत सारे क्षैतिज तलों से प्राप्त किया जाएगा, तो उसको हम बहुमंजिली खेती कहेंगे। ठीक, उसको हम बहुमंजिली खेती करेंगे कहेंगे। और ये तो आपका पूछेगा, ये भी पूछेगा, ये भी पूछेगा, ये चारों पूछ सकते हैं, इसमें से कोई दो पूछेगा, चार आप देख लेना। ओके, तो आपको टू मार्क्स वाले। ठीक, फसल तीव्रता क्या है? फसल तीव्रता क्या है? तो फसल तीव्रता किसी क्षेत्र में विशेष पर जो है एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या जो है, किसी कृषि क्षेत्र में जो एक वर्ष में जो है, एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या बराबर, और ये एक जब ये लिखोगे तो इसका आप फॉर्मूला लिख सकते हो, अगर आप लिख सकते हो फसल तीव्रता बराबर एक वर्ष में लगाई गई फसलों की संख्या बाय कुल कृषिगत क्षेत्र। कितना कृषिगत क्षेत्र है वो? कुल कृषिगत क्षेत्र ये होता है। ओके, ये होता है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे हम इस पर हम बात कर रखे हैं। ओके, सारे बात हम कर लिए हैं इस पर सारे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है आपको, आपको और क्या बताएं, मिश्रित खेती अंतर्वर्ती खेती क्या होता है? तो बताइए मिश्रित खेती अंतर्वर्ती खेती क्या होता है? ये दोनों में भी एक आपको पूछेगा ही। मिश्रित खेती बता दे कि दो या दो से अधिक फसलों के मिश्रित बीज की छिटकाव विधि से लगाए जाने वाली फसलें, जिसे लगाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है कि प्राकृतिक जो है आपदा, प्राकृतिक आपदा में कुछ ना कुछ उपज प्राप्त कर सके, उसे मिश्रित खेती हम कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक, और अंतर्वर्ती एक और एक क्या है? अंतर्वर्ती खेती की बात करें, चलिए आप मिश्रित देखे कि एग्जांपल आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक, मैं आपको अंतर्वर्ती खेती बता रहा हूँ। ओके, अंतर्वर्ती खेती है दो या दो से अधिक फसल को एक साथ किसी एक ही खेत में पंक्ति विधि से लगाएंगे। किसी एक ही खेत में हम पंक्ति विधि से लगाएंगे एक ही खेत में। ठीक, उसी सस्य क्रिया को, लगाने की सस्य क्रिया को हम अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। चलिए इनका भी एग्जांपल बताइए, मैं आपको ये कल का वीडियो में बताया हुआ था, बताइए आप देख लेना अच्छे से। मक्का प्लस अरहर, चना प्लस तीसी, चना के साथ तीसी, जौ के साथ चना, ये सारे इनके एग्जांपल मैं कल बताया हूँ यार, उतना मत उससे बुलवाओ, मैं आपको दो बार बता चुके। तो ये दोनों आप समझ चुके हो। ठीक, अंतर नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, डिफिनेशन पूछा है, ये याद रखना। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, पता है कल बताए थे फसल प्रणाली और फसल चक्र के बारे में। ठीक, तो लो एक बार और बता देते हैं हम क्या है फसल प्रणाली, उस पर बात किए थे, फसल चक्र सुन लो जल्दी से, कि किसी खेत में जो है किसी नियत अवधि के लिए जो है विभिन्न फसलों को हम इस उद्देश्य से फेर बदल कर लगाते हैं, भूमि का जो उर्वरकता वो बने रहे, उपज में भी कोई कमी नहीं आए, वही फसल चक्र होता है। और उपज में भी कोई फसल नहीं आए, वही क्या होता है? फसल चक्र होता है। आई थिंक आपको, और आपको फसल प्रणाली ये आपको मैं बता चुका हूँ, उसमें आप देख लेना। ओके, उतना बताऊँगा तो फिर टाइम बहुत कम है इसीलिए। ठीक, और एक आपको इसमें और एक आवरण फसल क्या है, ये बहुत पूछा जाता है, आवरण फसल क्या है? आवरण वो, ये मैं पहले बता दिया हूँ, चलिए ये भी हो गया है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हम मुद्दा पे बात करेंगे, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, ये भी VVI है। ओके, ये भी आपका VVI है, तो देख लो समांतर खेती क्या होता है। ओके, इस पर प्रस्तुत दिया, मतलब कि आप बोल सकते हो उसमें बढ़ा चढ़ा के लिख देना। ओके, कि किसी एक खेत में एक साथ
हम दो ऐसी फसल को लगाएंगे जिसमें बढ़ाव की प्रकृति जो है वो भिन्न होगा और वे अपनी पूर्ण क्षमता का अनुरूप उपज प्रदान करेंगे, वही समांतर खेती होते हैं। ठीक, और भी इसमें बढ़ा चढ़ा के लिख देना, लेकिन ये 2 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स में नहीं जाएंगे। ओके, ये जो है आपको समांतर खेती का एग्जाम्पल हो गया। ओके, क्या बोलोगे, बोलना किसी एक ही खेत में एक साथ दो ऐसी फसलों को लगाएंगे जिसमें बढ़ाव का प्रकृतिक भिन्न होगा और वे अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप उपज प्रदान करेगा। ओके, ये भी VVI है, पूछा गया 2 साल पूछा गया है, मे भी इस साल भी पूछ सकता है। ठीक, तो चलिए अब आगे बात करते हैं, चलिए अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है तो हमारा क्वेश्चन है धूप की किस प्रकार की फसल है। चलिए ऑप्शन में है खरीफ, रबी, बहुवर्षीय या गर्मा। चलिए ऑप्शन क्या है कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, जल्दी से करिए। दूब जो है वो बहुवर्षीय फसल है। कौन सा फसल है दूब, वो बहुवर्षीय फसल है, तो दूब जो है वो बहुवर्षीय फसल है। ओके, अब सेकंड में फिलेरिस माइनर, फिलेरिस माइनर जो है ये किस फसल में पाया जाता है, फिलेरिस माइनर जो है वो किस फसल में पाया जाता है। चलिए बताइए, फिलेरिस माइनर जो है ये खरपतवार प्रबंधन का है, तो वो गेहूँ में पाया जाता है। ठीक, गेहूँ में पाया जाता है। ठीक, और थर्ड क्वेश्चन है आपका सांबा घास किस फसल का विशिष्ट खरपतवार है, गन्ना, गेहूं, मक्का, धान। चलिए जल्दी से बताइए। तो सांबा घास जो है वो आपको बेसिकली धान में पाया जाता है, किसमें, धान में पाया जाता है, तो आपको डी हो जाएगा। ओके, तो अब आगे हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है खरपतवार को परिभाषित करें। ओके, मोस्ट VVI, तो खरपतवार होता है जो बिना बोए उग जाता है और वो अवांछनीय होता है, वो क्या होता है, पौधे के लिए हानिकारक होता है। ओके, हानिकारक होता है, तो आप लिख सकते हो जो पौधे बिना बोए खेतों में उग जाते हैं तथा फसलों के लिए साधारणतया अवांछित तथा हानिकारक होते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं, वो खरपतवार कहलाते हैं। ठीक, हो गया इन पर बात। और चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, यहाँ है खरपतवार के कृषि नियंत्रण, तो आपसे लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि खरपतवार का जो है हटाने का जो है विधि, तो आपको पता होना चाहिए, इसको बहुत सारे हैं, जैविक विधि हैं, कृषि विधि हैं, लेकिन बेस्ट आपको होता है, सबसे अच्छा माना जाता है कौन विधि को, यांत्रिक विधि को, यांत्रिक विधि है, रासायनिक विधि होते हैं केमिकल्स जिसमें प्रयोग हम करते हैं। ठीक ठीक, तो इसमें हम बात आगे करेंगे, आगे भी क्वेश्चन होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन है खरपतवार लाभदायक हो सकते हैं, हाँ खरपतवार लाभदायक भी होते हैं, अरे अपरदन से बचाता है वो, और भी बहुत सारी भूमिका है उनका, वो घास खाने में आपको जो आपके जानवर है वो घास उनसे खाते हैं। ठीक, और भी बहुत सारे फसल में भी उसको हम उगा सकते हैं। तो देखिए आपको फर्स्ट में आप लिखना, सबसे पहले आप फर्स्ट लिख देना कि कुछ घास जो है पशुओं को भी हम खिलाते हैं। ओके, वो भी कुछ खरपतवार जो है वो पशुओं को भी खिलाते हैं। ठीक, दूसरा आप भूमिका लिखना कि ये जो है भूमि कटाव से रोकता है, ये खरपतवार जो है बहुत भूमिका है इनका, बहुत ही अच्छा रहता है। और तीसरा आप लिख देना कि आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि आप लिख सकते हो जलीय अपरदन को रोकता है। ठीक, क्योंकि वो जल का जो गति होता है उसको कम करता है, ये सारे बहुत सारे लाभ हैं खरपतवार के। ओके, और अगर आपसे पूछेगा खरपतवार पर हानि और इसका इफेक्ट लिखेंगे, साइड इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड आपको पूछेगा पेस्टिसाइड्स एक दवा होता है। ओके ओके, उसका नियंत्रण करते हैं। अगर आपको खरपतवार की बात करें, ओके, उसका अगर इफेक्ट की बात करें, उसका हानिकारक पीक की बात करें, तो आप क्या बताओगे, आप बोलना कि सबसे पहले आप बोल देना कि खरपतवार जो है वो बढ़ने से कीड़े और बीमारी का प्रकोप बढ़ता है। आप ये लिख देना, निम्न है, ये हैं, वो हैं, यानी आपको लॉन्ग डिस्क्राइब करना है। ठीक, और जो आप पहले खरपतवार का डिफिनेशन लिख देना कि जो पौधे बिना बोए खेत में उग जाते हैं और फसलों के लिए साधारणतया अवांछनीय होते हैं, अवांछनीय होते हैं और हानिकारक होते हैं, वो खरपतवार कहलाते हैं। ठीक, खरपतवार का हानि आप लिख सकते हो कि खेत के साथ वो अवांछित पौधे जो उग जाते हैं वो ही खरपतवार होता है। ठीक, अब लिख सकते हो कि खरपतवार को हटाने के लिए हमको मजदूर का भी बहुत सारा उस पर हमको रुपया लगता है, खर्च होता है। ठीक, लिख सकते हो खरपतवार जो है
मृदा से खनिज लवण और भी पोषक तत्व ले लेता है जो पौधे के लिए होता है, और पौधे उसमें क्या विकसित नहीं हो पाते हैं और उपज उनका बहुत कम हो जाता है। ठीक, ये सारे हानियां हैं खरपतवार की। ओके गाइस, अब मैं आप खरपतवार का कुछ विशेषता बता देता हूँ। और देखिए, खरपतवार का मैं आपको डिफिनेशन बता दिया, जो बिना बोए उग जाते हैं और फसल को हानि करते हैं। ठीक, अवांछनीय होते हैं ये। और लेकिन खरपतवार की बात करें हम आपको, सभी खरपतवार जो है वो बुरे नहीं होते, सभी इंसान बुरे नहीं होते, कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं, वही खरपतवार के साथ है। ठीक, अब देखिए आपको अनुपयोग जगह पे खरपतवार, उदाहरण गेहूं में खेत के अगर चना उग जाता है तो वो भी खरपतवार होता है। अगर गेहूं का खेत है उसमें अगर चना उग गया तो वो भी खरपतवार, उनको भी खरपतवार बोला जाता है। अगर सज्जनों, अगर एक सज्जन 100 मूर्ख के बीच में चले जाए, एक सज्जन 100 मूर्ख के बीच में चले जाए एक सज्जन, तो उसको भी मूर्ख ही बोला जाता है। ओके, यही बात हुआ। और खरपतवार का विशेषता की बात करें तो कुछ खरपतवार जो है उसमें कांटा रहता है, जिसके वजह से जो है उसको जानवर भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। और खरपतवार इतने सारे बीज उत्पन्न कर देते हैं कि उससे बहुत सारे खरपतवार का निर्माण हो जाता है। और कुछ खरपतवार के बीज उसके साथ उगने वाले फसल से भी मिलते हैं, जिनमें आप ये डिसाइड नहीं कर पाइएगा कि कौन खरपतवार है और कौन फसल है। ओके, कौन फसल है। ओके, ये दोनों एक ही तरह के रहते हैं। ओके, सिमिलर। ओके, बहुत आर सिमिलर टू ईच अदर। ओके, और कुछ खरपतवार के जड़ जो है वो काफ़ी गहरा होता है, उसको एक बार तोड़ने से वो फिर से उग जाते हैं। ओके, और जो है आपको खरपतवार का और क्या हो गया विशेष बात, तो कुछ खरपतवार जो है उसका बीज की उगने की शक्ति बहुत वर्ष तक रहता है। तो ये सारे विशेषता हुआ खरपतवार का। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। और हम नेक्स्ट पे बात करें तो हमारा है बिहार में जो है कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, डैश प्रतिशत वन क्षेत्र है। आपको पता होना चाहिए बिहार में जो है 6.59% जो है वन क्षेत्र है। आप लिखते चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.59% जो है वन क्षेत्र है। ठीक, और दूसरा आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में फसल तीव्रता डैश प्रतिशत है। तो बिहार में जो है फसल तीव्रता जो है 1.13% है। ओके, 1.3% है। ओके, रेड जोन चलते 1.3% है। ओके, राज्य के डैश में खेती सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो राज्य के जो है डैश में क्या, आय में, आय किनके वजह से होता है, तो हमारे खेती के कारण। ओके, तो आय में मुख्य भूमिका निभाती है। ये सब आप लिख लोगे खुद से आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि विपणन के दोष और सुधार, ये उपायों का वर्णन करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, अब दोष का वर्णन कर देते हैं हम कि कृषि जो है कृषि उत्पादन में दोष का वर्णन करें। तो आपको पहला आप लिखना, मूल्य संबंधी जानकारी का अभाव हो जाता है। ठीक, और आपको गोदाम की कमी होता है, आपको गोदाम का भी कमी होता है, गोदाम का कमी होता है। देखो ये आपको दोष लिखना, आप कॉपी खोल के लिख लो, क्रय विक्रय के दोषपूर्ण तरीके तथा दोष मुक्त युक्त तोल का वाट और संस्थागत बिक्री का अभाव होता है, और संस्थागत बिक्री का अभाव होता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको हो गए फर्स्ट वाले का, ये किन का, ये बस दोष का हुआ। अब हम क्या है सुधार की बात करें, तो सुधार की बात करें तो इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहकारी विपणन की व्यवस्था होती है, संरक्षित गोदाम, इसका जस्ट अपोजिट आपको लिख देना, इसका जस्ट ये आम लिखे तो ये आपको इमली लिख देना, जस्ट अपोजिट कर देना आपका। ठीक, वो हो गया। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश ईमानदारी पूर्वक होता है। ठीक, ग्रामीण यातायात समुचित विकास और गाड़ियों उपलब्ध कराया जाता है, बाजार की गतिविधियों को किसानों तक शीघ्र पहुँचाना, ये सब इनके अंतर्गत आती होगी। अब आता है सहकारी खेती क्या है, इस पर प्रकाश डालिए, बताइए सहकारी खेती क्या है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको सहकारी खेती क्या है। सहकारी खेती एक संस्था का रूप है जिसमें प्रत्येक किसान सदस्य होते हैं, लेकिन यह किसान अपने अपने ज़मीन के हकदार भी होते हैं। प्रत्येक किसान सदस्य भी होते हैं और ये अपने ज़मीन के हकदार भी होते हैं, लेकिन संस्था के बिक्री से जो आमदनी होता है, संस्था के जब बिक्री होता है उनसे जब आमदनी होता है, ये क्या करते हैं, उसे ज़मीन के क्षेत्रफल के आधार पर बांटते हैं, जितना ज़मीन का क्षेत्रफल है उनके बेस के आधार पर बांट देते हैं। ठीक, बांट देते हैं,
और इसे ही सहकारी खेती कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? सहकारी खेती कहते हैं। ये में भूमि का सुधार बहुत होता है। ओके, ये दिस इज ऑल अबाउट सहकारी खेती। ओके, और अनुबंध खेती का प्रस्तुत में वर्णन, अनुबंध खेती का प्रस्तुत में वर्णन की बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन 2020 में आया था। ठीक, तो अनुबंध खेती जो है कृषि का वह प्रकार है जिसके अंदर खरीददार और उत्पादक के मध्य फसल पूर्व समझौते या अनुबंध किए जाते हैं। सामान्यतः इसी कृषि में किसान एवं कॉपरेट जो है कंपनियां के मध्य करार किया जाता है। भारत में ऐसी कृषि का प्रचलन कहाँ कहाँ होता है? तो पंजाब में होता है, होशियारपुर में से, और ये वहाँ से होता है। ठीक, ये आपको पता होगा। और लाभ की बात करें, इसका लाभ जो है अनुबंधित खेती का लाभ की बात करें तो किसान को व्यापक रूप से प्रबंधन तकनीक और प्रसार का सेवा प्राप्त होता है। ऋण आसानी से प्राप्त हो जाता है, ऋण आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है, और कृषि कार्य में दक्षता आता है। किसान को उत्पाद बेचने के लिए सुविधाजनक बाजार उपलब्ध होता है, और किसान को उत्पादन में लगने वाले कारक और उत्पादन सेवा प्राप्त होता है। दिस इज ऑल अबाउट अनुबंधित खेती। और इसके हानि की बात करें तो इनके बोले ना, आप जिनके भी लाभ लिखोगे ना तो उनका आप जस्ट अपोजिट कर देना। कृषि में जोखिम बढ़ जाता है, उत्पादन में गुणवत्ता में कम हो जाता है, कॉपरेट कंपनियों का वर्चस्व होता है, और एक ही फसल का उसमें ज़्यादा वर्चस्व होता है। ठीक, एक ही फसल का, दिस इज ऑल अबाउट। ठीक, ये हो गया आपका दीर्घ उत्तरीय। ठीक, और चलिए अब आगे बात करें हम, चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स करा देते हैं और फिर हम क्लास का एंडिंग करेंगे जो कि VVI ऑब्जेक्टिव्स है, वो ऑब्जेक्टिव्स पे हम ध्यान देते हैं। चलिए बताइए, मूली का संपरिवर्तित रूप है, मूली का संपरिवर्तित रूप है जड़, तना, पत्तियों या किसी का नहीं? तो मूली का जो है संपरिवर्ती रूप क्या है? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपको आंसर देना, मैं फास्ट फास्ट आपको बताते चलूंगा जिससे आपका रिवीजन होगा। तो ये जो है मूली का संपरिवर्ती रूप जो है तने का है, ऑप्शन नंबर B2। ठीक, चलिए, मूली किस कुल का पौधा है? मूली जो है वो किस कुल का पौधा है? कुकुरबिटेसी, अम्लीफेरी, कुशीफेरी, अरेसी, बताइए। तो इसका जो है कुशीफेरी कुल का पौधा है। ठीक, आपको कमेंट सेक्शन में सारा का आंसर करना है। गाजर एक संपरिवर्ती रूप है, जड़ का, तने का, पत्तियों का, किसी का नहीं? तो इसका हो जाएगा आपका तने का। ठीक, मैं फास्ट फास्ट चल रहा हूँ कि टाइम आपका बचत हो। ठीक, गाजर किस कुल का पौधा है? कुकुरबिटेसी, अम्लीफेरी, कुशीफेरी, अरेसी, बताइए, जल्दी से बताइए। गाजर किस कुल का पौधा है? कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। गाजर किसकी पौधा है? तो ये अम्लीफेरी का है। किसका है? अम्लीफेरी का है। चुकंदर किस जलवायु का पौधा है? चुकंदर जो किस जलवायु का पौधा है? गर्म, ठंडी, ठंडी परंतु अपेक्षाकृत गर्म, जल्दी से बताइए। तो ये ठंडी का है। आपको सबका आंसर करना है, प्रैक्टिस होगा, करते हो नहीं डिपेंड्स ऑन यू, आपके मार्क्स आएंगे, मेरे नहीं। ठीक, मुझे जितना आता है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ एवं रंग के अधिकतम विकास के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए? जड़ एवं रंग दोनों के अधिकतम विकास के लिए जो है कितना डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है? तो इनका आंसर हो जाएगा 18 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। ओके, 18 से 21 डिग्री सेल्सियस। प्याज साधारणतः कैसे मौसम की फल है? यहाँ एक ही साथ हो गया है, कैसे, मैं आपको ये कर देता हूँ, कैसे यहाँ से, फिर यहाँ से मौसम, यहाँ से की, यहाँ से फसल है। ठीक, तो बताइए प्याज जो है कैसी मौसम की फसल है? ठंड, गर्म, बरसात, बसंत, बताइए जल्दी कमेंट में। ये ठंड का है। ठीक, चलिए, तो प्याज की एक हेक्टेयर खेत जो है, प्याज की एक हेक्टेयर खेत में कितना बीज पर्याप्त रहता है? तो प्याज की एक हेक्टेयर खेत में कितना बीज पर्याप्त रहता है बताइए? 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, 10 से 15 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 से 8 ग्राम या 2 से 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर किलोग्राम, बताइए। तो इनका आंसर होगा 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज को कितनी गहराई तक गुड़ाई करनी चाहिए? प्याज को जो है कितनी गहराई तक गुड़ाई करनी चाहिए? चलिए जल्दी से बताइए। तो इसका हो जाएगा कम गहराई तक, कम गहराई तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलू में पिछेती झुलसा किस कारण से होता है? तो ये फफूंद से होता है, ये किससे होता है? फफूंद से होता है। ओके, ये फफूंद से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में हरापन किसके कारण होता है? तो आलू में जो हरापन जो होता है वो किसके कारण होता है बताइए, तो वो जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण गेहूँ में हरापन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर खेत में बुआई के लिए कितना आलू बीज लगता है? एक हेक्टेयर खेत में जो है बुआई के लिए कितना आलू लगता है, प्लीज़ बताइए, एक हेक्टेयर खेत में बुआई के लिए कितना आलू लगता है? तो इनका आंसर आपको हो जाएगा 20 से 25 क्विंटल लगता है। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः जो लहसुन के किन कौन कौन के भाग खाने के योग्य के लिए उपयुक्त होता है? तो साधारणतः लहसुन का जो है कौन भाग खाते हैं जल्दी से बताइए, तो इनका हो जाएगा कंद हम खाते हैं, कौन सा, कंद हम खाते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे अब हम बात करेंगे, लहसुन की रोपाई कितनी दूरी में करनी चाहिए बताइए, लहसुन का जो हम रोपाई करेंगे वो कितनी दूरी में करनी चाहिए? एक 7 से 7.15 सेंटीमीटर, 25.30, 35.50, 55.60 cm बताइए, इनका आंसर होगा ये 7 से 7.15 सेंटीमीटर। लहसुन को लगाने के लिए एक हेक्टेयर में कितने किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है बताइए, लहसुन को लगाने के लिए एक किलो हेक्टेयर में कितने बीज की ज़रूरत पड़ती है आपको बताना है, तो इनका आंसर होगा 500 से 700 किलो बीज। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल फसल उगाने के लिए मिर्च का कितना बीज पर्याप्त होता है, 0.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम, तो इनका आंसर हो जाएगा 1.5 किलोग्राम। सूखी मिर्च की उपज प्रति हेक्टेयर में कितनी प्राप्त होती है, 8 से 10 कुंटल, 18 से 20 कुंटल, 28 से 30 कुंटल या 38 से 40 कुंटल बताइए, तो इनका आंसर हो जाएगा आपको 18 से 20 कुंटल। मिर्च के सूखे बीज में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है, मिर्च जब सूखा रहता है तो उनका बीज में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है बताइए, 26.1%, 25.1%, 24.1% या फिर 22.1%, तो इनका आंसर हो जाएगा आपका 26.1%। वर्षा ऋतु फसल बुआई का समय है, वर्षा ऋतु में फसल बुआई का समय है बताइए, फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, नवंबर मध्य, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है आप उससे पता लगा सकते हैं, जिसमें होगा अप्रैल मई, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी को कौन सा भाग खाने के लिए होता है, फूल कार्ड, जड़ या तना या पत्ती, ठीक, तो अब बताएंगे, तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा फुल कार्ड, ओके, कार्ड होगा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगेती फूल गोभी की रुपाई कितनी दूरी पर पर्याप्त रहता है, अगेती फूल गोभी की रुपाई कितनी दूरी पर पर्याप्त रहता है, 15.10 सेंटीमीटर, 25.30 सेंटीमीटर, 45.45 cm, 55.60 cm, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3, 45.45 cm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी को लगाने के लिए एक हेक्टेयर में कितने किलो बीज की जरूरत पड़ती है, तो इनका आपको आंसर हो जाएगा 300 से 500 ग्राम बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल लगाने हेतु बैंगन के संकर किस्मों को कितने बीज पर्याप्त होगा, 150 ग्राम, 250 ग्राम, 350 ग्राम, 450 ग्राम, तो इनका आंसर हो जाएगा आपका बी 250 ग्राम। मुक्त परागित प्रभेदों की उपज प्रति हेक्टेयर में कितनी प्राप्त हो जाती है, 200 से 250 कुंटल, 300 से 350 कुंटल, 400 से 450 कुंटल, 500 से 550 कुंटल, तो इनका आंसर हो जाएगा आपको 24 का आंसर हो जाएगा आपको सी 400 से 450 कुंटल, कितना, 400 से 450 कुंटल। ये सारे वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मैं इसीलिए फास्ट फास्ट बता रहा हूँ, और 9 को आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा, ठीक, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ओके, इस पर बहुत सारे PDF है। तो बैगन की गोल किस्म है बताइए, अर्का नीलकंठ, अर्का कुशकुमार, काशी संदेश, अर्का सीरीज, तो इनका करेक्ट आंसर है काशी संदेश।
नेक्स्ट में वर्षा ऋतु फसल बुआई का समय है फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल, वर्षा ऋतु कब आता है उससे देख के आप बताओ, जनवरी के अंत में या फिर नवंबर के मध्य में। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा फरवरी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल उगाने के लिए हेतु टमाटर के संकर किस्म बीज पर्याप्त होता है बताइए, 100 से 200, 250 से 300, 350 से 400, 450 से 500। आप सोच रहे हो 50 का डिफरेंट दिया है, देगा ही, तो इनका आंसर होगा आपको 150 से 200। अब 28 पे चलेंगे, बताइए मुक्त परागित प्रभेद की उपज प्रति हेक्टेयर कितनी प्राप्त होती है, 200 से वही है तो इसका होगा 400 से 450, ये मुक्त का है, मुक्त परागित का, ठीक। ऑप्शन भी अब क्या बोलूँगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। बताइए सीमित बढ़वार वाली किस्म रोपाई में कितने दिन बाद फल देना प्रारंभ कर देता है, सीमित बढ़वार वाले 65 से 70, 70 से 75, 40 से 50 या फिर 50 से 60। तो इसका आपको आंसर हो गया 29 का आंसर हो गया आपको 65 से 70। टमाटर का स्वस्थ बीज कितने साल तक अंकुरण की क्षमता रखता है, टमाटर का स्वच्छ बीज की बात करें तो ये आपको रखता है 4। पालक का कौन सा भाग खाने के रूप में उपयोग करते हैं, तो पालक का जो है कौन सा भाग खाने के रूप में उपयोग करते हैं, तो इनका जो है पत्तियों का भाग। बताइए पालक किस कुल का पौधा है, पालक जो है किस कुल का पौधा है, चिनोडिएसिस का, अम्बली फेरी का नहीं है, कुछ फेरी का भी नहीं, ये भी नहीं है, ये गाजर का है, ठीक, मूली, ये गाजर, ये मूली, ओके। बताइए पत्ता गोभी का साधारणतः क्या खाते हैं, ये तो बता दिया अभी तुरंत, हम इस पर बात किए थे, पत्ती, पत्ता गोभी का तो हम पत्ती खाएंगे, नाम से पता चलता है। अगेती अगेती पत्ता गोभी की रोपाई कितनी दूरी पर पर्याप्त होता है बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 45 से 50, 45 से 50 सेंटीमीटर, 45 इधर तो 50 इधर। बताइए पत्ता गोभी को लगाने के लिए एक हेक्टेयर में कितने किलो बीज की जरूरत पड़ती है, 50 से 90 किलोग्राम, 5 से 7 किलोग्राम, 300 से 350 ग्राम, 50 से 20 ग्राम, 15 से 20 ग्राम, इसका आंसर हो जाएगा सी, 300 से 500 ग्राम। जिमीकंद का प्रबंधन किसके द्वारा होता है, तो इसका हो जाएगा बी, कंदों द्वारा होता है, मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, ओके, आप लोग भी डायरेक्ट बोलते चलो, मैं कुछ 5 सेकेंड दूंगा, 10 सेकेंड। ओल में तीक्ष्णता किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। केंद्रीय ट्यूबर क्रॉप रिसर्च संस्थान सिटी CRI कहाँ स्थापित है, तो यह स्थापित है केरल में। ए अरवी में तीक्ष्णता किसके कारण होता है, तो अरवी में तीक्ष्णता होता है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। भिंडी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो भिंडी का उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका। आप लोग आंसर करो, मैं बता रहा हूँ। बरसाती फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है 8 से 10, 10 से 12, 15 से 12 से 15, 15 से 20, तो इनका होगा आपका 8 से 10 किलोग्राम। भिंडी किस कुल का पौधा है, तो भिंडी जो है आपका हो गया मालवेसी कुल का पौधा है, रोजेसी का नहीं है, इनका भी नहीं है, इनका भी नहीं है, मालवेसी का कुल का पौधा है। नेक्स्ट है आपका ये हो गया, नेक्स्ट है आपका 43, भिंडी का तुड़ाई का सर्वोत्तम समय कौन सा है बताइए, 3 से 4 दिन बाद, हर दिन बाद, हर हफ्ते बाद, एक बार, तो हर एक 3 से 4 दिन बाद करना चाहिए सर्वोत्तम है। फ्रांस बीन की फलियों के बनने के लिए सर्वोत्तम तापक्रम 10 डिग्री होता है, तो इनका होता है आपको 60 से 70 डिग्री होता है, 60 डिग्री से 70 डिग्री होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, झाड़ी नुमा किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, 80 से 90, 130 से 140, 120 से 150 या 100 से 120, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, 80 से 90। फरास बीन किस कुल का पौधा है बताइए, फरास बीन जो है वो किस कुल का पौधा है, तो मैं बता दूँ फरास बीन लेगुमिनोस का पौधा है, लेगुमिनेसी का पौधा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, बहुत मेहनत लगता है। बुश बीन में हरी फलियों का कितनी क्विंटल उपज प्राप्त होता है बताइए, 75 से 100, 120 से 200, 200 से 250, 250 से 270, तो इसमें लगता है 120 से 200। लोबिया में हरी फलियों को कितनी क्विंटल उपज प्राप्त होता है,
हरी फलियों को 75 से 100, ये सारे नहीं होंगे, 100 से 150, 50 ये सारे नहीं होंगे। नेक्स्ट, लोबिया के लिए बुआई के बाद कितने दिन तक अंकुरित हो जाते हैं बताइए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 या 6 से 7, तो इनका हो जाएगा आपको 6 से 7, दिख रहा है ना, साउंड भी जा रहा होगा। लोबिया किस कुल का पौधा है, लोबिया जो है वो किस कुल का पौधा है बताइए, लोबिया किस कुल का पौधा है, लेगुमिनेसी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, एस्ट्रेडेसी, तो ये आपका हो जाएगा 50 का A हो जाएगा आपको, लेगुमिनासी, एक नंबर हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन सब्जियों की सिंचाई कितने दिन के अंतराल पर करते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 से 8 दिन, ग्रीष्मकालीन का इसमें हम करते हैं आपको 7 से 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीरा का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, एशिया, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया बताइए, भारत का कोई नाम नहीं है, खीरा का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, ये आपका एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेला के लिए प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, तो इनके लिए जो है आपको 3 से 4। खरबूज किस कुल का पौधा है, तो खरबूज जो है वो किस कुल का पौधा है बताइए, तो इसका हो जाएगा कुकुरबिटेसी। कद्दू लौकी की तुड़ाई रोपने के लिए कितने दिन बाद की जा सकती है, तो ये 60 दिन बाद। मटर की भरपूर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है मटर में, तो मटर में पाया जाता है आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या कुछ नहीं, प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। आघात मटर के लिए प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, आघात मटर के लिए जो है आपको 120 से 130, 130 से 140, 120 से 150, 100 से 120, आघात के लिए 120 से 150 अगेती के लिए, ठीक। मटर किस कुल का पौधा है, चलिए बताइए, मटर लेगुमिनेसी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी या एस्ट्रेसी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेगुमिनेसी, मटर लेगुमिनेसी कुल का पौधा है, ठीक। 58 हुआ और बचा आपका, बताइए मटर में हरी फलियों को कितनी क्विंटल उपज प्राप्त कर सकते हैं, मटर में हरी फलियों की कितनी क्विंटल उपज प्राप्त कर सकते हैं, 75 से 100, 40 से 50, 50 से 60, 70 से 80, तो इनका आंसर हो जाएगा आपको 40 से 50, ओके। 2, पॉली हाउस में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है, शिमला मिर्च, फूल गोभी, बंधा गोभी, फराज बीन, तो इनका आंसर हो जाएगा आपको शिमला मिर्च। पॉली हाउस के कारण कितने साल में बदल जाता है, पॉली हाउस के आवरण जो है कितने साल में बदल जाता है आवरण, तो बताइए प्रत्येक साल या 2 साल या 3 से 5 साल में या 10 साल में, आप ऑप्शन देखते ही बता दो, ये आपको 3 से 5 साल में राइट आंसर। एंड पॉली चादर की मोटाई लगभग कितनी होती है, 100 माइक्रोन, 200 माइक्रोन, 300 माइक्रोन या 400 माइक्रोन, पॉली चादर की मोटाई जो वो होती है आपको 200 माइक्रोन होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पॉली हाउस में खीरे की उपज प्राप्त की जाती है 75 से 100 टन, 120 से 200 टन या 150 से 180 टन, तो आपको 63 का हो जाएगा डी आंसर, ओके, 150 से 180 टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी किसका संप्रति रूप है, जड़ का, तने का, पत्तियों का या किसी का नहीं, हल्दी, तो हल्दी जो है ये आपको तने का है, इसका तने का है, ठीक, ये याद रखना, जड़े नहीं लिखना है। लास्ट क्वेश्चन आपका, हल्दी किस कुल का पौधा है, कुकुरबिटेसी, अम्बलीफेरी, कुसीफेरी या जिंजर बिरेसी, तो ये आपका हो जाएगा कुकुरबिटेसी, हो गया। तो ये सारा रहा आपका ऑब्जेक्टिव, ओके गाइस, तो ये आपका रहा होल ऑब्जेक्टिव्स, और 9 फेब को आपको आएगा इन्फॉर्मेशन, इतना पढ़ लो काफ़ी है, इनसे अधिक नहीं पूछा जाता है, ठीक, काफ़ी है इतना, ठीक, और वो आपको रेडी रहे नेक्स्ट सेशन के लिए, 9 फेब को मैं बताऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो कर लो, ओके, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो, और लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लगा हो, उससे मोटिवेट होते हूँ मैं, ओके ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।